हाँ पिक्चर बाकी है ना, जनता इंतजार कर रहा है, 2 करोड़ का रोजगार इंतजार कर रहा है, 5 लाख का अपने खाते में इंतजार कर रहा है, तो जनता को जवाब दें वो क्या क्या किया। अब मेरे सारण में तो चाय पीने के लिए चीनी फैक्ट्री लगाने वाले थे। 40 सीटों पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार के 40 की 40 सीटों पर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी सीटों पर मोदी जी का आना ये स्वागत। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72 घंटे में दोबारा बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, इसे लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई है। वहीं विपक्ष पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर निशाना साध रहा है। आपको बताएं, पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के नवादा दौरे पर तंज कसा और एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए 10 सवाल पूछे। अब लालू की बेटी और राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने भी पीएम मोदी के इस दौरे पर सवाल खड़ा कर दिया है। आपको बताएं, नवादा में पीएम मोदी की रैली को लेकर रोहिणी आचार्य ने कहा कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, परिवार वाले भी सभी जाएंगे, बेटा बेटी और दामाद सब जाएंगे, उनका सब इंतजार कर रहे हैं। वहीं रोहिणी आचार्य ने आगे कहा कि लोग 2 करोड़ नौकरियां और उनके खाते में 15 लाख रुपए का भी इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सारण में चीनी मिल स्थापित करने का वादा किया था लेकिन कुछ नहीं किया, अब तक कुछ भी नहीं किया, तो ऐसे में उनको वहां की जनता बहुत प्यार देने वाली है। कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य ने ये तंज कसा। पहले आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ कहा। नवादा में सभा को संबोधित करेंगे मैम, तो उसमें हम क्या करें, परिवार वाले जाएंगे, बेटा बेटी दामाद सब जाएगा, लोग उनका इंतजार करेगा, परिवारी लोग। लालू प्रसाद यादव पर वारंट निकला है मैम। कौन सा वारंट निकला है? ग्वालियर में एमपीएमएल कोर्ट, एमपीएमएल कोर्ट, इसका मुझे जानकारी नहीं है। 10 साल का जिक्र फिर से हो रहा है कि 10 सालों में हमने जो कार्य किया है, किसने? सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। प्रधानमंत्री बोले हैं, हाँ पिक्चर बाकी है ना, जनता इंतजार कर रहा है, 2 करोड़ का रोजगार इंतजार कर रहा है, 5 लाख का अपने खाते में इंतजार कर रहा है, तो जनता को जवाब दें वो क्या क्या किया। अब मेरे सारण में तो चाय पीने के लिए चीनी फैक्ट्री लगाने वाले थे, इंतजार कर रहा है जनता, उनको चाय पिलाएगी इस बार बहुत बढ़िया। क्षेत्र भ्रमण पे चाय का दुकान बंद हो जाएगा। आप सिंपैथी वोट गेन कर रही हैं, इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। सिंपैथी वोट हम क्यों गेन करने जाएंगे, पूरा दुनिया मेरा कायल है इस आदर्श बेटी को। कौन नहीं चाहता है बाप अपने कि मेरी बेटी रोहिणी आचार्य जैसी हो? सिंपैथी तो यही बैठ कर रोने लगते हैं, बेटी को गाली देने में इनको शर्म नहीं आती है, बेटी बहन बहन को गाली देते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। प्यार मिल रहा है आपको, कितना लोगों का? आइए ना आप देखिए, सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि सिक्योरिटी का आपने मिस यूज किया है। हाँ मिस यूज ना, 5 तारीख को समस्तीपुर में मिस यूज या चलाइए ना आप लोग, तब हम जाने। तो देखा आपने किस तरीके से रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी के ऊपर तंज कसा है। वही भारतीय और भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने टिप्पणी पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी और सारण लोकसभा सीट से राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता के बीच जाना चाहिए, तभी समझ आएगा कि हकीकत क्या है। वहीं बता दें कि पहले कुछ दिन पहले उन्होंने सम्राट चौधरी ने रोहिणी आचार्य पर कहीं ना कहीं कमेंट किया था, जिसके बाद रोहिणी आचार्य को ये बात बहुत ज्यादा खटक गई है, जिसके बाद वो लगातार हमलावर है। पहले सम्राट चौधरी ने रोहिणी आचार्य और उनके परिवार पर हमला किया। पहले आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से सम्राट चौधरी ने रोहिणी के बारे में क्या कुछ कहा था। 543 सीटों पर मोदी जी चुनाव लड़े, बिहार के 40 की 40 सीटों पर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी सीटों पर मोदी जी का आना ये स्वागत योग्य। लालू की दूसरी बेटी जो है रोहिणी आचार्य मैदान में है। रोहिणी आचार्य देखिए, लालू जी का परिचय ही है परिवार कीजिए। ये लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो भागलपुर जा रहे हैं सर। तो देखा आपने किस तरीके से सम्राट चौधरी ने रोहिणी आचार्य पर हमला बोला था, जिसके बाद वार पलटवार का दौर जारी है, लगातार एक दूसरे के ऊपर पक्ष विपक्ष लगातार हमलावर है। ऐसे में कहना होगा कि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य अब ग्राउंड में एक्टिव दिखाई दे रही हैं, ऐसे में आने वाले समय में वो भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।